Praful Patel ji. Manyavar ek aur satra, ek aur saal aur is sadan mein takriban wahi charcha ki mehngai hamare desh mein bahut badh gayi hai, gareeb aadmi jooj raha hai, log pareshan hai aur ye charcha hum nirantar karte jaane ke baad bhi इसका कोई समाधान हम ढूंढ नहीं पाते हैं. ये हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का और दुख का विषय है और स्वाभाविक है कि जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी ही ज़्यादा बनती है. मुझे याद है कि हम जब सरकार में थे और पासवान जी की जगह पर हमारे नेता पवार साहब बैठा करते थे तो यही चर्चा और हमारे जो मित्र यहाँ पर है वो ज़्यादा हमारे खास करके हमारे जो मित्र यहाँ हमारे मेरे सामने मुस्करा रहे हैं ये उस बात को ज़रा ज़्यादा प्रोत्साहन देने का भी काम करते थे. लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि महंगाई ये राष्ट्रीय समस्या है, गरीबी एक उससे भी बड़ी राष्ट्रीय समस्या है और इसका कहीं ना कहीं हल निकालना ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है. मैं एक स्मरण करना चाहूँगा कि जब हम भी सरकार में थे, मैं थोड़ी अपने पर टीका पहले करता हूँ बाद में आप पर करूँ, कि हमारे टाइम पे प्लानिंग कमीशन ने एक कुछ रिपोर्ट निकाली थी कि 30 रुपया कुछ आसपास कुछ रोज़ की कमाई अगर होती है तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जाना चाहिए. मतलब अगर 30 रुपया अगर हम उसको मानते हैं कि बहुत बड़ी आमदनी है और उससे दो वक्त की रोजी रोटी अगर हमारी चल जाती है तो हम गरीबी मुक्त हो गए, इस सोच के साथ अगर हम हमारी राष्ट्रीय नीति, क्योंकि योजना आयोग एक राष्ट्रीय नीति का एक प्रमाण होता है, वहाँ से शुरुआत होती है, अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए एक चिंता का विषय बनता है. और केवल हम लोग यही बात कर रहे हैं टमाटर के दाम क्या हो गए, आलू के दाम क्या हो गए, दाल के दाम क्या हो गए, निश्चित ये एक विषय होता है क्योंकि वो दैनंदिन हर गरीब के एक थाली का विषय होता है. लेकिन उसके साथ साथ आज इतने बड़े देश में केवल एक वर्ग की बात न करते हुए आज किसान की भी अगर बात करेंगे तो किसान खाली पैदा करता है अनाज, इतनी बात थोड़ी है, सब्जी भाजी पैदा करता है, इट डजंट एंड देयर. किसान भी तो एक उपभोक्ता है. किसान अगर पैदा करता है अनाज या सब्जी या कुछ और तो साथ साथ में उसको दूसरी वस्तुओं को भी तो खरीदना है बाजार में जाकर, उसको भी तो अपना दैनंदिन जीवन चलाना है. तो हम उपभोक्ता को और किसान को अंतर न समझे, ये सारा हमारे देश का हर वर्ग का व्यक्ति उसको कहीं ना कहीं आज इस समस्या का सामना करना पड़ता है. इवन मिडिल क्लास आज शहरों में रहने वाला, अगर हम सोचते हैं कि किसी को 15-20-25 हज़ार रुपये की कमाई शहर में होती है तो उसको कोई गरीबी का या उसको महंगाई का असर नहीं होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको ज़्यादा बोझा पड़ता है क्योंकि उसकी आमदनी सीमित है लेकिन उसका जो खर्च का जो व्याप है वो एक अलग तरह का होता है. आज इवन सिटीज़ में यू हैव टू सी पीपल स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन. आज शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, उसको हम प्राइस राइज की अगर बात करते हैं तो प्राइस राइज शुड नॉट बी ओनली कंटेंट टू दी फ्यू आइटम्स ऑफ डेली कंजम्पशन. आज एजुकेशन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सब्जेक्ट फॉर मोस्ट पीपल. इवन इन स्मॉल टाउन स्मॉल विलेजेस यू फाइंड पीपल वॉन्टिंग देयर चिल्ड्रन टू गेट गुड एजुकेशन. एजुकेशन हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव. ट्रांसपोर्टेशन, आज शहर में कोई द्वारका में रहता है, कोई कहीं दिल्ली के कौन से मयूर विहार में रहता है, कोई नोएडा में रहता है, कोई गुड़गांव में रहता है, उसके लिए आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का विषय है, वो कितना महंगा हो गया है. सारी चीज़ों को अगर हम लेंगे तो ये महंगाई का आज शहरों में किरायों का कितना बड़ा मतलब एक सिलसिला है. एक छोटा आदमी अगर 20-25 हज़ार रुपये की आमदनी करने वाला अगर दिल्ली में अगर रहने की कोशिश करे और किराया सामान्य कहीं एकदम झुग्गी झोपड़ी के इलाके में भी जाएगा तो उसको 2-4 हज़ार रुपया सहज किराया देना पड़ेगा, ये भी आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है. और इसलिए हम लोग केवल बात करते हैं महंगाई की एक छोटे से परिप्रेक्ष्य में. आज देश में महंगाई का अगर हम आडंबर को अगर पूरे तरह से व्यापक तौर से अगर हम सोचेंगे तो एक हमारे लिए सबके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है. और इसीलिए अब सरकार का सवाल आता है, सरकार का दायित्व आता है कि आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में केवल आपने कुछ 2-4 बातें कर ली
अच्छी बातें कर ली कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमने दाल का इंपोर्ट कर लिया, हमने वो कर लिया, तो एक दाल इंपोर्ट करने से आप सोचते होंगे कि महंगाई का सिलसिला ख़त्म हो गया, या आपने कुछ आलू का या प्याज का कुछ इंतजाम लोगों के लिए कर दिया। हम आजकल फैशनेबल हो गया है कि कोई भी एक राज्य में समझो महंगाई हो गई या दिल्ली में, तो 5, 10, 15, 20 वो रेकड़ी चली गई, ठेले वाले कहीं 2, 4, 5, 10 दुकानें खोल दी और आपने बोल दिया यहाँ किफ़ायती दाम पे मिलता है अपना बाज़ार में या सुपर बाज़ार में, तो हमने ये महंगाई की समस्या को सुलझा दिया है। ये इस प्रकार की बात, आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड सर, वी आर problem, I appreciate, I appreciate the way you are discussing. I am not being critical also. No, but my I am helpless because I know the problem, but I will solve it within a minute or two. Please solve the problem. So sir, the issue is that farm incomes must increase because still India lives in its villages. गाँव में रहने वाला आज भी 60% देश की लोकसंख्या का उसका जीवन का जरिया आज भी किसानी है, कृषि के माध्यम से वो अपना जनजीवन करता। आज कृषि की समस्या, और ये बहुत बड़ी समस्या है, आज जो पैदावार की जो कीमतें, जो बहुत सारे लोगों ने कहा, गाँव में उसको हाथ में क्या मिलता है और शहर में अंतिम उसके ग्राहक के उपभोक्ता के हाथ में क्या कीमत पे पड़ता है, वो बहुत बड़ा अंतर है। फूड प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं, आपको भी मालूम है पासवान जी, कोल्ड चेन, बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें, उसमें प्रगति निश्चित हुई है, लेकिन जिस मात्रा में होनी चाहिए, जिस गति से वो होना चाहिए, उसका सीधा जो फ़ायदा किसानों को मिलना चाहिए, वो अभी तक हम लोग उसको कहीं ना कहीं हासिल नहीं कर पाए हैं। इवन आप MSP की बात करते हैं, आज जो बल्क ऑफ दी प्रोक्योरमेंट ऑफ द फार्मर्स इज थ्रू MSP। आज MSP की कीमतें, गेहूं में आप 70 रुपया बढ़ा देते हैं, आप चावल में 60 रुपया बढ़ा देते हैं। आपको अगर लगता होगा कि महंगाई खाली एक ही चीज़ की है, आज किसान को महंगाई, उसको खाद की क्या कीमत है, अभी आपने थोड़ी घटाई है अभी इस बार, लेकिन खाद की कीमत हो, मजदूरी, अरे ठीक है भाई, अभी पहली बार इसलिए कि पेट्रोलियम के दाम कम हुए हैं, मुझे क्या समझा रहे हो आप लोग? मैंने आपके ऊपर कोई टीका तो नहीं की, मैं तो केवल इस देश की राष्ट्रीय समस्या के बारे में मैं यहाँ पर एक जिम्मेदारी पूर्वक बात कर रहा हूँ। बोलिए आप, बोलिए। और इसीलिए मैंने तो हमारी सरकार की भी क्रिटिसाइज की कि योजना आयोग ने हमारे सरकार के वक्त क्या कहा था। मैं ये केवल कहना चाहता हूँ, मैं हटकर थोड़ी बात करके कह रहा हूँ कि आज हमारे सबके लिए ये बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, और इस समस्या को हम इसको सॉल्व करने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज किसान को हर चीज़ की महंगाई का उसको सामना, आज मजदूरी कितनी महंगी हो गई है, आज मजदूर मिलता नहीं है किसान को, और मजदूर मिलता है तो उसकी कीमत उसको इतनी भुगतान करना पड़ता है कि उसके लिए उस पैदावार को जिस कीमत में बेचता है घर चलाना मुश्किल हो जाता है, और कहीं सूखा पड़ता है, कहीं अकाली बारिश हो जाती है, बहुत सारी ऐसी समस्याओं को आज किसान उसको जूझ रहा है। और शहरों में भी सर, वाइस चेयरमैन सर, इवन इन द सिटीज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मोस्ट पीपल इज हाउ डू दे मेक टू एंड्स मीट। आई थिंक इवन दिस इज अ बिग इशू, नई नौकरियां तैयार होती नहीं है। बिगेस्ट इशू इज टूडे ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एवरी पर्सन हैज चिल्ड्रन एट होम हु आर एडुकेटेड, but at the end of the day there is no job. In fact the real issue today is that you may find new jobs but the net addition of jobs, aaj jitni naukriyan hain ek purani jati hai aur dusri khadi hoti hai, lekin nayi no rozgar ke avsar aaj is hamare desh mein khade nahi ho rahe hain, ye hamare liye bahut bada chinta ka vishay hai, aur isiliye ek aur satra, ek aur charcha, lekin iska koi samadhan nahi ho raha hai, ye hamare liye desh ke liye rashtra ke liye ek bahut badi chinta ka vishay hai। थैंक यू, थैंक यू सरदार।